बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में। मैंने अपनी आंखों से जो देखा है वो आप साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं उस टाइम मैं एकदम से मोबाइल निकाल कर वो वीडियो बना ही नहीं सका, और ना ही आपको पता है जी हम किसी भी दौरियात वगैरह शूट वगैरह की वीडियो बना सकते हैं ऐसे, यानी कि चेकिंग वगैरह के मतलब वीडियो नहीं बना सकते हैं। कुछ जो व्यू हम देखते हैं वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, यही होता है। तो ऐसा ही हुआ है जी, लेकिन ये जो कुछ हुआ है मैं आपको इससे आपको बताऊँगा भी, और आप भाइयों को खुद से यानी कि आप अपने जो मैंने अपनी आंखों से एक वाक्य देखा इसके अलावा वो भी बता दूंगा हुआ कुछ क्या। बात पहले आपको ये बता दूं मैं कि हम फैसलिया में थे। अभी मैं फैसलिया जो कि जद्दा में, आपको पता है जी वाकई कुछ यूँ है जी कि फैसलिया जो कि जद्दा में आपको पता है जी, तो वहाँ पर मैं गाड़ी में गुजर रहा था तो मैंने देखा है कि बंदे दौड़े लगाए जा रहे हैं एक तरफ को। तो मैंने बोला ये इनको क्या हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया जो एक तरफ को दौड़े जा रहे हैं। मैं गाड़ी थोड़ी स्लो की पहन देखने लग गया, वो एक के पीछे एक दौड़े जा रहे हैं और एक गाड़ी के पीछे छुप रहा है। तो मैंने बोला माजरा क्या है, वो गाड़ी के पीछे जो छुप रहा था वो मुझे ऐसे ऐसे इशारे कर रहा है। मैंने बोला पता नहीं क्या मसला है। जब मैंने देखा तो उधर से दौरियत की गाड़ी आ रही थी, डॉज वालों की गाड़ी थी, वो आए हैं, थोड़ी स्पीड थी उनकी, वो सीधे गुजर गए हैं। इधर उधर उन बंदों ने देखा ही नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर उनकी नज़र पड़ जाती किसी भी दौड़ने या छुपने वाले बंदे के ऊपर, उसको फिर वो नहीं छोड़ते। उसके पीछे चाहे उनको घर में घुसना पड़ता, चाहे कहीं भी जाना पड़ता, वो उस बंदे को नहीं छोड़ते। अभी जो मैंने अपनी आंखों से वाकया देखा वो आपको बता दूं, मैं हायल शहर में थे, एक सराइकी लड़का था, बिल्कुल यंग था, तो शुरतों ने उसे आवाज़ मारी है, उस बंदे ने आगे से दौड़ लगा दी है। तौरिया थी वो भी, उन वो उसके एक तो पीछे भागा, दूसरा गाड़ी लेकर वहाँ से ऊपर से घूमने लगा है। तो बहरहाल माजरा क्या, कुछ दूर जाकर वो उसको तौरिया ने पकड़ लिया, पकड़ के उसको नीचे गिरा दिया। वो जाहिर सी बात है तौरिया जिस बंदे ने उसको पकड़ा उसको आगे से धक्का देने के लिए, ऐसे उसने धक्का भी दिया कि मैं भाग रही हूँ, लेकिन वो दो बंदे थे जाहिर सी बात उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जेल में लगा, उसके कफील ने भी पीछे से ट्राई मारी कि इसको मैं निकलवा लूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने भाई उसे बतून कफील डाला या जो भी किया, उस बंदे का खरूज लगाकर यानी कि जेल के थ्रू तरहील के थ्रू उसका सफ़र करवा दिया। वो बैन हो गया सऊदी अरबिया में, अभी दोबारा नहीं आ सकता है। ठीक है, तो भाई अगर आप अनलीगल भी हैं तो आप कहीं आपको दौरियत वगैरह छोड़ता वगैरह रोकता है तो भागे मत। ये मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, आराम से उसकी बात सुने, वो आपको पकड़ेगा ले जाएगा, इकामा एक्सपायर है, फाइन करके आपको छोड़ भी सकता है। ठीक है, अगर आप भागेंगे तो फिर अगर आप आपके ऊपर आपका इकामा चाहे एक ही एक्सपायर है आपको, यानी कि वो जुर्माना करके छोड़ सकता, फिर भी आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आप भागे उसने पकड़ लिया तो फिर आपका सीधा वो सफ़र करवाएगा।